शाम अकेली ओ अले बेली बुलाए तुझे प्यार मेरा पलकों की ओट तकूं मैं रह न सकूं मैं बुलाए जब प्यार तेरा पलकों की ओट तकूं मैं हो मौसम है तेरी आँखों जैसा फिर अपनों से छुपना कैसा गुम सुन क्यों है साथी मैं तो खड़ी हूँ सामने तेरे तुझको गले से लगाऊं कैसे ना बुलाए जब प्यार तेरा गुजरे न शाम अकेली हो गए हैं फासले दिल के हम राही हैं एक मंजिल के तब तक होगी ना पूरी आस अधूरी बुलाए तुझे प्यार मेरा पलकों की आग तकूं मैं हो लाख जमाना हमको टोके चमकाएंगे राहें भी दिल मेरा और धड़कन तेरी अपना है एक फसाना प्यार निभाना बुलाए तुझे प्यार मेरा गुजरे न शाम अकेली ओ अली बेली बुलाए तुझे प्यार मेरा मेरा दिल कहता था तुम जरूर आओगी और अगर मैं ना आती तो इन नजारों का हुस्न मान पड़ जाता बहारों को नींद आ जाती नजमा तुमने कभी आईना देखा रोज देखती आज ये सोचकर देखना कि किसी की आंखें इस फूल से चेहरे को देखने के लिए हर वक्त बेताब रहती है कौन है वो है गरीब सा आदमी शकील मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुकी मोहब्बत अमीरी गरीबी के फासलों को नहीं देखती तुम जैसे भी हो मेरे हो मुझे तुम्हारी हैसियत से नहीं शख्सियत से प्यार हाँ हाँ ठीक है अब ये बताओ फिर कब मिलोगी बड़े बेसब्रे हो पहली मुलाकात खत्म नहीं होती दूसरी मुलाकात का वादा ले लेते तुम पहली मुलाकात खत्म ही ना किया करो जानती हो शकील आजकल अब्बा जान की तबीयत ठीक नहीं फिर भी मैं परसों आने की कोशिश करूंगी अच्छा खुदा हाफिज़ कहिए शकील साहब मौसम का लुत्फ उठाया जा रहा है जी मगर आप यहाँ क्या कर रही हैं यूं ही अपनी बेजार तन्हाइयों को बहलाने चली आई थी अब आप मिल गए हैं तो आइए कहीं चलकर चाय पिए जी नहीं शुक्रिया मैं कुछ मसरूफ मैं आपकी मसरूफियत देख चुकी हूँ नादरा तुम हर वक्त साय की तरह मेरा ही पीछा क्यों किया करती हो वेदर भी ठीक है पैसेंजर भी अच्छे हैं लेकिन इंजन की खराबी की वजह से हम आज टेक ऑफ नहीं कर सकेंगे मेरा एक मशवरा है जी फरमाइए तुम ये गाड़ी बेचकर तीन पहिए वाली साइकिल क्यों नहीं खरीद लेते रजिया ये तुम बार बार मेरी कार और मेरे पीआर का मजाक क्यों उड़ाती हो और ये तुम बार बार मुझे रजिया क्यों कहते हो मेरा नाम रजिया नहीं सलमा है तुम्हारा नाम कुछ भी हो लेकिन मेरे घर में रजिया ही के नाम की लड़की दाखिल हो सकती है ये हमारी खानदानी रिवायत है मगर मेरा तुम्हारे घर में दाखिल होने का कोई इरादा नहीं
ज्यादा टट्टर की तो यहाँ बिठा के बोनट बंद कर दूंगा। बकवास मत करो। क्या जमाना आ गया है? कार चल रही है तो पीआर चल रहा है, कार बंद हो गई तो प्यार बंद हो गया। फिर झगड़ा? जान के किया था। अच्छा जल्दी चलो, तुम्हारे अब्बा इंतजार कर रहे होंगे। सिर्फ दो घंटे के लिए मांग के लाया था तुम्हें। उनकी फिक्र ना करो, उनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। ये हंस रही हैं? किससे बात करनी? शाहिद अजी, मैं तो उसका भी बाप बोल रहा हूँ, आप मुझसे क्या बात करेंगी? कह देंगे, भूलने का क्या सवाल, भूलने का क्या सवाल है? वाले साहब, भूल ना जाइए, भूल ना जाइए। ये हथेली पे गिलास क्यों खड़ा किया भाई तूने? शादी आप ही ने तो पानी मांगा था। मैंने पानी मांगा था? मैं क्यों पानी मांगूंगा? अबे ये उम्र मेरी पानी मांगने की? भाग जा चलो। साहब जी, आप ही ने तो कहा था कि गोली खाऊंगा। अबे मुझे मारेगा, मैं गोली खाऊंगा? चल यहां से। साहब जी, अरे जुमन, जुमन देख बे, मैं भूलता नहीं हूं। आज से 2 साल पहले मैंने तुझसे सिर्फ 1 गिलास पानी मांगा था और अब तक नहीं आया। ले आया हूँ सरकार। सरकार का बच्चा। नजमा बेटी, मेरे डूबती सांसें तुम्ही को आवाज दे रही थी। घबराइए नहीं खान बहादुर साहब, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। इस पर मैंने कुछ दवाएं लिख दी हैं, आप बाजार से मंगवा लीजिएगा। शुक्रिया। मिस नजमा, आप जरा मेरे साथ आइए। सरताज, मिस नजमा, आपके डैडी दिल के मरीज हैं, इन्हें किसी भी बात का सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दुनिया से रुखसत होने से पहले नजमा को दुल्हन बनाकर इस घर से रुखसत कर दूं। रजिया अपा का बेटा इरफान कैसा रहेगा? जहन पर बोझ न डालिए सरताज, डॉक्टर का यही मशवरा है। अब्बा जान की सेहत के पेश नजर हमें कुछ अरसे के लिए किसी सेहत अफजा मकाम पर जाना चाहिए। क्यों अब्बा जान? जिंदगी गिनी चुनी सांसों का खेल है बेटी, जाने कब खत्म हो जाए। आप तो जरा सी बात में हिम्मत हार बैठते हैं। लीजिए दवा पी दीजिए। बेटी नाजरा, तुम ठीक ठाक हो ना? फाइन डैडी। डैडी आज तो कुछ ज्यादा मूड में नजर आ रहा है। बड़ी इंटेलिजेंट हो नाजरा। थैंक यू मैम। टेलीफोन देखो बेगम, हर 2 मिनट और बाद टेलीफोन आ जाता है। यार देखो फोन है। हेलो असलम, इतने बेसबर ना बनो।
अभी कुछ होश बाकी है। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, इंतजार करना। बेगम यार देखो, यादों में बहुत ज्यादा पीने लगा हूँ यार, शराब में नशे ही नहीं है। अभी आपने बहुत कम पी। मैं भी यही समझता हूँ। और पिलाओ। पिलाओ, मैं बहुत पीऊंगा, मैं डाउन फॉल हो गया। हाँ भर दिया, पानी नहीं लगा, भर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो डार्लिंग, शराब और तुम्हारे बगैर जिंदगी कितनी अधूरी है। कब से पी रहे हो? एक जमाना गुजर गया, मैं तो मायूस हो गया था कि शायद आज तुम नहीं आओगी। ये तुमने कैसे सोच लिया डार्लिंग? मुझे तो उस दोजख में एक एक पल भारी लग रहा था। उस बुढ़े को अच्छी तरह बेहोश कर दिया, सुबह तक के लिए आराम की नींद सुला दिया। चीयर्स फॉर द लव एंड फ्रेंडशिप। एक बात तो बताओ रेहाना, रात गए जब तुम घर जाती हो तो नादरा तुमसे कुछ नहीं पूछती? नादरा समझदार लड़की है, वो जानती है कि जवानी और बुढ़ापे के मिलाप का नतीजा क्या होता है। ठीक कहती हो तुम, फ्रस्ट्रेशन इसी का नाम है। तुम अपने बूढ़े शौहर से बेजार हो और मैं अपनी गंवार बीवी से। नादरा भी क्लब आती है कि नहीं? जब तक उसकी माँ जिंदा थी कंट्रोल में थी, अब बाप के माहौल ने उसे भी गलत राहों पर डाल दिया। राहों की बात छोड़ो, अपने बंगले की बात करो। बंगला नहीं, बैंक है डार्लिंग, जहाँ से हर रोज हम अपने अखराजात के लिए चेक कैश कराते हैं। रवैया मेरी समझ में नहीं आता। मेरी तरफ देखो, किस चीज की कमी है मुझ में? एक हम है कि हर वक्त तुम्हारे ख्यालों में खोई रहती है, एक तुम हो कि। क्यों जी, आप ही हर वक्त मेरे ख्यालों में क्यों खोई रहती? तुम मुझे अच्छे लगते हो और जो चीज मुझे पसंद आ जाए वो मेरी होती है, चाहे मुझे कितनी बड़ी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। देखो नाजा, इंसान बिकने वाली चीज को नहीं कहते, और फिर प्यार प्यार से खरीदा जाता है, दौलत से नहीं। जाओ अपना काम करो। तुम क्यों खामोख अपना दिल जलाती हो नादरा? शकील तुम्हारा नहीं हो सकता, मेरी मानो तो कोई और शरीक सफर तलाश कर। तुम औरत की फितरत से वाकिफ नहीं हो किश्वर, और जब अपनी बात मनवाने पर आती है तो बड़े बड़े तूफानों का रुख मोड़ देती है। शकील की बेरुखी ने मुझमें जिद पैदा कर दी है, तुम देखना एक दिन वो मेरा होगा। शाहिद बेटे। गुड मॉर्निंग पापा। बेटे कभी सलाम अलैकुम भी कर लिया करो। सलाम अलैकुम अब्बा जान, मैं क्रिकेट मैच देखा हूँ। बेटे रेडियो पर भी तो क्रिकेट मैच होता है, रेडियो पे बैठ के देख लो। अब्बा जान आप तो बस यूं ही जवान हो, इसलिए बूढ़े बाप का मशवरा बुरा लगता है। खुदा न खास्ता किसी दिन गलती से तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो गया, फिर पता चलेगा। घर में ही रहोगे बस। ये आजकल के बाप हैं। ये
ये ज्यादती है अब्बाजान, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कम से कम दरवाजा तो खोल दीजिए। अच्छा बेटा, बेटे मुझे बड़ा अफसोस है, मैं खोल देता मगर वो मैं चाबी कहीं रख के भूल गया हूँ। बेटे खुदा के लिए अब्बाजान दरवाजा खोल दीजिए। बेटे कल सुबह तक खोल दूंगा। अच्छा अभी यहीं रहो। दबा दे। Becky on 63, Hanif on 50, Pakistan 185 for the loss of 4 wickets, 185 for 4. McKenzie to continue from the pavilion lane. Field for McKenzie, 2 slips a gully, point cut extra cover, a mid-on, a mid-off, a forward short leg, a backward short leg and a deep square leg. In comes McKenzie, just past the umpire Daud Khan to bowl to Becky. In comes McKenzie and bowls to Becky, and Becky, my word, he's caught behind the wicket. Becky's out, caught behind the wicket by volley ground. लड़का आउट हो गया। इज आउट फॉर 63 एंड पाकिस्तान। शाहिद, ये जनाना घड़ियों और मर्दाना घड़ियों में कोई फर्क होता है क्या? जनाना घड़ी सिर्फ जनाना घड़ी होती है और मर्दाना घड़ी इंतहाई मर्दानी घड़ी होती है। ये क्या जरूरी है कि इश्क में हमेशा मर्द ही इंतजार करे? हम यहाँ 2 घंटे से बैठे और मोहतरमा अभी नहाएंगी, अपने कपड़े इस्त्री करेंगी, अपनी साड़ी बांधेंगी, मेकअप फरमाएंगी, सेंट लगाएंगी, जेवर सजाएंगी और शायद शायद कौन? मक्तूल। शरीफ। चंचल। पागल। दीवानी। बैठ जाओ। खड़ी हो जाओ। खबरदार। होशियार। किससे? बदमाश। वाकई नाराज हो गए? देखिए मोहतरमा, आपसे मोहब्बत जरूर की है मगर घंटों इंतजार की आग में जलने का वादा नहीं किया। जरा देर हो गई। जरा इन आंखों को गौर से देखिए जो आपकी याद में खोई रहती है। देख रही हूँ प्यारी, हजारों लड़कियां मरती हैं इन आंखों पर और एक आप हैं कि आपको जरा हमारा ख्याल नहीं। तो इसमें पछताने की क्या बात है? आइए आज से ही अपनी राहें अलग किए लेते हैं। आपको अपनी सूरत पर इतना ही नाज़ तो अपने दिल का नजराना किसी और के पर लुटा दीजिए। अच्छा खुदा हाफिज। अरे अरे कोई मजाक भी ना करे आपसे नजमा। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। देखो ये फजाएं ये रुत ये नजारे, छोटी सी ये वादी भी कितनी हसी है। कैसे जाने दूं मैं तुम्हें ओ जाने वाले, मेरा दिल मेरे ही बस में नहीं है। आएगा ना लौट के समा ये सुहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। हाय हाय कबूल कर लो।
पता है तुम्हारे इस प्यार में खुद को मिटाया तो मैंने तुम्हें पाया। अपने ही साए से छुप के हमेशा मैंने तुम्हें नगमा बपाओं का सुनाया। तुम हुए दूर तो हंसेगा जमाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना। कबूल कर लो हो कबूल कर लो। आँखों में हया के गुलाबी से ये डोरे धीरे धीरे अब तो सिमटने लगे हैं। अंगड़ाई लेते ये जलवे तुम्हारे मेरी नजरों से लिपटने लगे हैं। अब कोई और न चलेगा बहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना। कबूल कर लो हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना। कबूल कर लो हो कबूल कर लो। शकील, जानते हो तुमसे मिलने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं? तो फिर इन चोरी छुपे की मुलाकातों का सिलसिला ही खत्म कर दो, शादी कर लो मुझसे। शरीर, लड़कियों से ऐसी बातें नहीं किया करती। मोहब्बत भी करती हो, जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें भी खाई, तो शादी करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं जो इतनी जल्दी तय हो जाए। मैं तो ये जानता हूँ नजमा कि तुम मेरे दिल की धड़कन हो, धड़कन दिल से जुदा हो गई तो मैं मारा गया। खुदा ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। फिक्र ना करो, मैं आज ही अम्मी जान से बात करूंगी। परसों शाहिद की पार्टी में तुम्हारा इंतजार करूंगा, कोई खुशखबरी लेकर आना। इंशाल्लाह। आहे जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख। अम्मी, अम्मी कपड़े नीस्त्री हुए? हाँ हाँ, लो ये कपड़े तैयार हैं। अच्छा ये तो बताओ आज कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शाहिद के घर। ओ शाहिद के, तो तुम रोज जाते हो, आज कोई खास बात है? आज बड़ी अहम बात है अम्मी, सोच रहा हूँ कि जाने से पहले बताओ या आने के बाद। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अम्मी यूं ही शर्म से आती है। आप आंखें बंद करें। बंद करें आंखें। आंखें खोलें। ये खान बहादुर साहब की बेटी नजमा तो नहीं? जी हाँ अम्मी, नजमा और मैं, मेरा मतलब है मैं और नजमा एक दूसरे को पसंद करते हो। आपने तो मेरे होठों की बात छीन ली अम्मी। शकील बेटे, तुमने तो मुझे सोच में डाल दिया है, ये किस तरह मुमकिन है? वो बहुत बड़े लोग हैं, हमारा उनका क्या मुकाबला? खान बहादुर साहब एक गरीब औरत के बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता कैसे तय कर देंगे? मोहब्बत अमीरी और गरीबी के फासलों को नहीं देखती अम्मी, और फिर हर अमीर आदमी बुरा तो नहीं होता। नजमा कह रही थी उसकी अम्मी उसे बहुत चाहती है, वो उनसे हमारे रिश्ते की बात करेगी और वो जरूर मान जाएंगी। जानती हो अम्मी, नजमा शाहिद की पार्टी में मुझे यही खुशखबरी सुनाने आ रही है। ये तुमने क्या कर दिया है शकील? सोती हूँ तो ख्वाब बनकर, जागती हूँ तो ख्याल बनकर मेरे सामने आ जाते हो। तुमने दिल में प्यार की लगन तो जगा दी है, सोचती हूँ इस प्यार को मंजिल कब मिलेगी। नजमा बेटी, छुप जाओ शकील, नहीं तो पकड़े जाओगे। क्या बात है नजमा बेटी, कई दिन से बड़ी खोई खोई नजर आती हो। जी कुछ भी नहीं अम्मी, ये तन्हाई में किससे बातें हो रही थी? किसी से भी नहीं, इम्तिहान करीब आ गए हैं इसलिए पढ़ रही थी। ऐसी भी क्या पढ़ाई, देखो तो चार दिन से तकियों के गिलास तक नहीं बदले। रहने दीजिए अम्मी, कल देखा जाएगा, आज ही देख लेते। जी
नजमा, जवान औलाद के लिए माँ दोस्त भी होती है और गम गुजार भी। तुम मुझसे ही छुपा रही थी बेटी। आपने दिल का जोर पकड़ ही लिया है अम्मी जान, तो मैं जुर्म का इतराफ किए लेती हूँ। ये शकील है अम्मी जान, कॉलेज का बड़ा जहीन तालिब इल्म है और तुम उसे पसंद करती हो। वो भी मुझे पसंद करता है अम्मी। क्या ये मुमकिन नहीं कि जिंदगी के सफर में भी शकील को मेरा हम सफर बनने की इजाजत दे दें? ये शकील साहब करते क्या हैं? मेरा मतलब है कि उनकी खानदानी हैसियत क्या है। क्या तुम समझती हो कि शकील के साथ जिंदगी के खुशगवार दिन गुजार सकोगी? शकील गरीब जरूर है अम्मी, मगर दौलत ही दुनिया में सब कुछ नहीं होती। प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ये बात तुम मुझे समझा सकती हो नजमा, लेकिन शायद तुम अपने अब्बा की जिद्दी तबीयत से वाकिफ नहीं हो। वो इस बात को कभी पसंद नहीं करेंगे। दस्तूर के मुताबिक तुम्हारी शादी खानदान से बाहर नहीं हो सकती। इस खानदान में हमेशा से यही होता चला आया है। ये सरासर जुल्म है अम्मी। खानदान के ये खोखले दस्तूर मजबूर बेटियों के लिए ना जाने कब तक सजा बने रहेंगे। नजमा, मेरी तकदीर का फैसला करने से पहले ये सोच लीजिएगा अम्मी कि शादी जिंदगी भर की खुशी का नाम है, गम आंसू और पछतावे का नहीं। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारी खुशी की खातिर मेरी ममता तुम्हारे बाप के वकार के सामने जरूर दामन फैलाएगी। बेगम, तुमने ममता से मजबूर होकर खानदान के रस्म रिवाज को ही नहीं, हमारे जज्बात को भी मजरूह किया है। तुम अच्छी तरह जानती हो इस खानदान में बेटियों की तकदीर का फैसला उनके बुजुर्ग करते चले आए। खानदान का हर दस्तूर पत्थर की लकीर तो नहीं होता, वक्त और हालात की जरूरत के मुताबिक उसे बदला भी तो जा सकता है। बेगम, नजमा के जज्बात ने अगर तुम्हारे आजम का पत्थर पिघला दिया है तो हम अपनी खानदानी रिवायात का भरम नहीं तोड़ सकते। गुर्बत की कमजोर बैसाखियों के सहारे चलने वाले एक मामूली इंसान से हम अपने खानदान का रिश्ता नहीं जोड़ सकते। जाओ और नजमा से कह दो उसकी तकदीर का फैसला वही होगा जो हम चाहेंगे। जरा सोचिए तो, आपके फैसले से उसका दिल टूट जाएगा। अपने दिल को संभालो बेगम, तुम्हारे आंसू नजमा के जज्बात को और हवा देंगे। दोस्त बनकर नहीं, एक जिम्मेदार माँ बनकर उसे समझाओ। बात इतनी मुश्किल नहीं कि उसकी समझ में ना आ सके। खान बहादुर साहब, चले जाओ बेगम, हमें आजमाइश में मत डालो। हम जानना चाहते हैं हमारा खून हमारी इज्जत का साथ देगा कि नहीं। इंतजार बेहद बेकरारी शदीद आएगी जरूर। सब्स्टिट्यूट शकील साहब। फरमाइए। शकील साहब, कोई महफिल आपके गाने के बगैर मुकम्मल नहीं होती। हाँ प्लीज शकील, आज तो तुम्हें हमारी खातिर गाना ही पड़ेगा। अल्लाह गा दीजिए ना। अब लेडीज की बात कौन डाले, चलिए आइए। थैंक यू। जान बहार आएगा, झूम है दिल मेरा जान बहार आएगा। प्यार महकेगा उमंगों पे निखार आएगा, झूम है दिल मेरा जान बहार आएगा। आँखों में खिले होंगे मोहब्बत के कंवल, साए बरसाएगा मेरे लिए उसका आंचल। जिंदगी भर के लिए मुझको करार आएगा, झूम है दिल मेरा जान बहार आएगा। Thank you.
से इकरारे वफा जब सर महफिल होंगे गुनगुनाते से वो पल दीद के काबिल होंगे रूह खनकेगी निगाहों में खुमारा आएगा झूमो ऐ दिल वो मेरा जान बहार आएगा चेहरे पे जमी जब मेरी गुस्ताख नजर जेब सा जाएगा मुझसे वो जरा शर्मा कर इस अदा पर तो मुझे और भी प्यारा आएगा झूम है दिल वो मेरा जान बहार आएगा प्यार महकेगा उमंगों पे निखार आएगा झूम है दिल वो मेरा जान बहार आएगा झूम है दिल वो मेरा जान बहार आएगा खूब गाते हैं लुत्फ आ गया मगर जिस जाने बाहर के लिए ये गीत गा रहे थे वो अब तक नहीं आए और शायद ही आए छोड़िए शकील साहब कब तक इंतजार कीजिएगा जिंदगी भर उस साए के पीछे ना भागो शकील जो हाथ ना आ सके नादरा हवा का झोंका किसी एक जगह नहीं ठहरा करता शकील तुम हम नजमा की मोहब्बत में परेशान हो तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे कहना क्या चाहती हो मेरी आंखों में झांक कर देखो शकील तुम्हारे लिए अब भी जगह बाकी है मेरे होते हुए भी तुम नजमा का इंतजार कर रहे हो मगर नजमा वो ना जाने किसके साथ रंगरलिया मना रही होगी तुम नहीं जानती सलमा मैंने भी वो सारा वक्त तड़प कर गुजारा है मगर हालात ने मेरे पैरों में मजबूरियों की जो जंजीर डाल दी उसे तोड़ देना मेरे इख्तियार में नहीं तुम जंजीर नहीं तोड़ सकती मगर शकील को अपनी मजबूरियां तो समझा सकती हो मोहब्बत पल भर में बदगुमानियों का शिकार हो जाती है नजमा तुम्हारे वहां ना आने से तरह तरह की बातें बनाई गई मेरा मशवरा मानो तो एक बार शकील से जरूर मिल लो यकीन नहीं आता कि ये वही जगह है जहां हम पहली बार मिले थे यकीन नहीं आता कि तुम वही नजमा हो जिसने जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाई थी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो शकील मैं एक मशरक की लड़की हूँ और माँ बाप के फैसले पर सर झुकाने पर मजबूर हूँ मैं तुम्हारी मजबूरी मानने के लिए तैयार नहीं ये सब पुरानी बातें हैं तुमने मोहब्बत की है नजमा गुना नहीं किया जो अपना हक भी ना मान सको माँ बाप को कायल भी ना कर सको शायद मैं ये भी कर गुजरती इस रिवायत को भी भुला देती कि बेटियां माँ बाप के सामने जबान नहीं खोलती इस हकीकत को भी झुठला देती कि बेटियों के मुस्तकबिल पर सिर्फ वालदैन का हक होता है अगर उनकी सेहत ठीक होती तुम नहीं जानते वो दिल के मरीज है जरा सा सदमा भी उनकी जान ले सकता है मेरी और तुम्हारी मोहब्बत की खबर तो उनके लिए कयामत बन सकती है मेरी और तुम्हारी मोहब्बत की खबर उनका इलाज भी बन सकती थी अगर मैं दौलतमंद होता तो मगर नजमा मैंने तो तुमसे कभी नहीं छुपाया कि मैं एक गरीब आदमी हूं खैर अच्छा किया जो आज तुमने मुझे मेरी हैसियत का एहसास दिला दिया खुदारा ऐसा ना कहो शकील मैं आज भी यही कहती हूं कि मुझे तुम्हारी हैसियत से नहीं तुम्हारी शख्सियत से प्यार है झूठ तुमने उस रोज भी झूठ बोला था और आज भी फरेब दे रही हो फरेब देने वाली आंखों में आंसू नहीं होते शकील मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत की तरह तुम्हारे आंसू भी छूटे नजर आते हैं नजमा सच तो यह है कि इस दौर के तराजू में गरीब की सारी उमंगों सारी आरज़ुओं के सामने सोने का एक मामूली टुकड़ा कहीं भारी बन गया है शकील तुम तो उस
محفل میں خوشیوں کا پیغام سننے گئے تھے بیٹا، یہ غم یا آنسو کیوں لے کے آ گئے ہو؟ یہ غم اور یہ آنسو جھوٹے خواب دیکھنے کی سزا ہے امی، آپ نے ٹھیک کہا تھا، دولت کبھی غربت کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑ سکتی، یہ فاصلے کبھی کم نہیں ہو سکتے۔ کیا ہے جو پیار تو پڑے گا نبھانا، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ، قبول کر لو تم کا پتا ہے تمہارے اس پیار میں، خود کو مٹایا تو میں نے تمہیں پایا، اپنے ہی سائے سے چھپ کے ہمیشہ میں نے تمہیں نغمہ وفا سنایا۔ تم ہوئے دور تو ہنسے کا زمانہ، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ، قبول کر لو جو راہ منزل کی طرف نہ جاتی ہو نجمہ، اسے چھوڑ دینا ہی اچھا ہے۔ شکیل کے غم کو زندگی کا روگ نہ بناؤ بیٹی۔ جو غم روح کی گہرائیوں میں سما جائے امی، وہ اتنی آسانی سے دور نہیں ہوا کرتا۔ عورت کا دوسرا نام مجبوری ہے بیٹی، خاندان کے رسم و رواج کے سامنے سر جھکایا ہے تو دل کو بھی جھکا دو، اب اسی میں تمہاری عظمت ہے۔ میں نے اس عظمت کے لیے بہت بڑی ذلت اٹھائی ہے امی، عمر بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں توڑ کر بے وفائی کا الزام اٹھایا ہے، اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر آپ کے خاندان کا دستور نبھایا ہے۔ اب شکیل کی یاد کو بھی دل سے بھلا دو، یہ میرے بس میں نہیں۔ میں تمہاری ماں ہوں بیٹی، اور کوئی ماں اپنی اولاد کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ دل پتھر تو نہیں ہوتا امی کہ چوٹ پڑے اور آنسو بھی نہ چھلکے۔ جائیے ابا جان سے کہہ دیجیے کہ جب تک جسم اور روح کا رشتہ باقی ہے، شکیل کی یاد بھی زندہ رہے گی۔ پھول سے خوشبو اور دل سے دھڑکن کبھی جدا نہیں ہو سکتی، کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ خان بہادر صاحب کی حالت زیادہ خراب ہے، مس نجمہ آپ ڈاکٹر فریدی کو بھی بلوا لیجیے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دعا کیجئے بیگم صاحبہ، اب یہی ایک صورت باقی ہے۔ بابو جی، رضیہ تم کون ہو؟ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ بابو جی میرا شوہر مر گیا، اللہ کے نام پہ مجھے 10 روپے دیجیے۔ میں کوئی بات بھولتا نہیں، آج سے ایک مہینہ پہلے بھی تمہارا شوہر مر گیا تھا، تم مجھ سے 10 روپے لے گئی تھی۔ ارے 10 روپے میں کیوں شوہر کو مارتی تم لوگ؟ جا شوہر کے نام پہ جھوٹ نہیں بولتے، لے دے دینا اسے، کچھ چرس ورس پی لے گا۔ کتنے آرام سے شوہر مار دیا۔ یہ آخر مجھے ہو کیا گیا ہے؟ آخر کب تک یہ تمہارے لوٹ آنے کا خیال میرے دل سے کب مٹے گا؟ رضیہ وہ بھکارن نے مجھے آواز دی تو میں سمجھا کہ تم آ گئی ہو۔ رضیہ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے ہوں گے نا،
मगर 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 तुम तो मुझे दीवाना नहीं समझती हो, तुम तो मुझे दीवाना नहीं समझती नहीं। अच्छा तो फिर तुम एक दिन जरूर आओगी ना, आओगी ना रसिया, मुझे यकीन है तुम एक दिन जरूर आओगी। कहाँ जा रही है मैडम? शकील इम्तियाजी नंबरों में पास हुआ है, शाहिद ने उसके इजाज़ में एक छोटी सी पार्टी दी है, उसे मुबारकबाद देने जा रही है। उसने तो भरी महफिल में तुम्हें बेइज्जत किया था और आज तुम उसे मुबारकबाद देने जा रही है। तुम नहीं समझोगे किश्वर, मुझे शकील की दी हुई बेइज्जती को वापस लौटाना है। दस दस बीस पाँच पच्चीस एक 50 रुपए का नुस्खा हो गया ये पूरा। इतना कंजूस कब से हो गया तू? चले खा ले, खा ले, बहुत अच्छे लग रहे हो खाते हुए। और चलो भाई छुट्टी दो, बस बहुत हो गया। चलो चलो चलो, खुदा बुरी बात। अच्छा मैं तो खुदा हाफिज करने आया था। लीजिए वो आ रही हैं। मुझे इजाजत। वो आ रही हैं। मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई? जी नहीं, यही कुछ बचा है, अगर इससे काम चला सकती हैं तो चला लीजिए। देर से आके शर्मिंदा तो भी होंगी आप। जी बाहर हाल हम आ ही गए हैं तो एक कप चाय तो पियेंगे। जी पत्ती अपनी लाएंगे। अच्छा भाई आप लोग चाय बनाए, मैं चलता हूँ। मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुझे। आप इन्हें क्यों ड्रॉप करते हैं? मैं इन्हें छोड़ दूंगी। अगर आप इन्हें छोड़ना ही चाहती हैं तो फिर जरा जल्दी छोड़ दीजिए। भैया लो लो, मैंने खाओ 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 खाओ। एक सेकंड, अच्छा जी शुक्रिया। सुनिए बेनियाजी की भी हद होती है, अब आपके घर तक तो आ ही गए हैं, क्या हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी? आइए। अम्मी अम्मी इनसे मिलिए। मेरा नाम नादरा है, मैं शकील के साथ कॉलेज में पढ़ती हूँ। ये घर तुम्हारी शान के काबिल तो नहीं, फिर भी आओ बैठो। ये कहाँ चला गया शकील? अजीब लड़का है, हर वक्त उदास रहता है, हालांकि इतने शानदार नंबरों में कामयाब हुआ फिर भी खुश नहीं। शकील को उदास देखकर मुझे बहुत दुख होता है, मैं चाहती हूँ कि उसके गमों को दूर करूँ, मगर वो तो मुझसे खफा ही रहता है। पहले मेरा शकील ऐसा नहीं था, बहुत हंसमुख और शरीर हुआ करता था, मगर उस बेदर्द नजमा ने इसकी सारी खुशियों को छीन लिया है। अब इसे हमदर्द भी अच्छे नहीं लगते। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं वादा करती हूँ आपकी तस्कीन के लिए मैं उसके सारे गम समेट लूंगी। तुम कितनी अच्छी बेटी हो, तुम्हें मेरे शकील का कितना ख्याल है। एक बात कहूँ आपसे, आपके बेटे को हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं, हर वक्त मुंह फुलाए रहता है। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। कितनी पुरखलूस लड़की है, तुम्हारे गम को अपना गम समझती है। मैंने खुलूस और वफाओं पर इतबार करना छोड़ दिया है अम्मी। नादरा भी नजमा की तरह अमीर बाप की बेटी है और ये सब अमीर एक ही जैसे होते हैं। तुम्हें तो नजमा ने दीवाना बना दिया है। मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत की तरह तुम्हारे आंसू भी छूटे नजर आते हैं नजमा। सच तो यह है कि इस दौर के तराजू में गरीब की सारी उमंगों सारी आरज़ुओं के सामने सोने का एक मामूली टुकड़ा कहीं भारी बन गया है। नहीं शकील, नहीं नजमा, शकील की याद में यू कब तक आंसू बहाती रहोगी नजमा? एक जरा सी नाकामी ने तुम्हारे सारे हौसले पिघला दिए हैं, सारे वलवले खत्म कर दिए हैं। नाकामी नहीं, बदनसीबी कहो सलमा, क्योंकि मोहब्बत का ये चिराग खुद मैंने अपने हाथों से बुझाया है। तो एक चिराग और जला लो सलमा। मोहब्बत की आग औरत की जिंदगी में सिर्फ एक बार सुलगती है, जो कभी तो मुस्कुराती बहारों का रूप इख्तियार कर लेती है या फिर उसके शोले उम्र भर दिल को जलाती रहती है। मैं तुम्हारा फलसफा सुनने नहीं आई हूँ नजमा, तुम्हें मशवरा देने आई हूँ। ये पागलपन छोड़ शादी कर लो, क्योंकि औरत मर्द के सहारे के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती।
शादी, शादी की ख्वाहिश तो उन्हें होती है सलमा जिनके जज्बात जिंदा हो। मैं तो अपनी ही जली हुई आरज़ुओं की राख बनकर रह गई हूँ। तुम शकील को जाकर मना क्यों नहीं लेती? हालात ने ये हौसला भी तो छीन लिया है सलमा। गई क्यों मुझसे तेरे आंचल की महकार, बता क्या यही है तेरा प्यार, बता क्या यही है तेरा प्यार। लूट लिया तकदीर ने मेरी खुशियों का गुलजार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार। अब मुझको मालूम मेरा दिल था एक खिलौना, अब मुझको मालूम हुआ मेरा दिल था एक खिलौना। प्यार का हक है उसको जिसके पास हो चांदी सोना। जीत गई तेरे दिल को सोने चांदी की झनकार, बता क्या यही है तेरा प्यार, बता क्या यही है तेरा प्यार। लूट लिया तकदीर ने मेरी खुशियों का गुलजार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार। रोते हैं जज्बात मेरे हालात नहीं है बस में, रोते हैं जज्बात मेरे हालात नहीं है बस में, दस गई मेरे हर मानो को इस दुनिया की रस्में। जीते जी अब तेरा मेरा मिलना है दुश्वार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार। रूठ गई क्यों मुझसे तेरे आंचल की महकार, बता क्या यही है तेरा प्यार, बता क्या यही है तेरा प्यार। मंजिल तो कुछ दूर न थी, क्या मुश्किल लान पड़ी है। मंजिल तो कुछ दूर न थी, क्या मुश्किल लान पड़ी है। मेरी राह में दर्द की ऊंची दीवार खड़ी है। तोड़ न दी क्यों तूने अपने रास्ते की दीवार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार। रूठ गई क्यों मुझसे तेरे आंचल की महकार, बता क्या यही है तेरा प्यार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार। रजिया, तुम आ गई रजिया। कौन है तुम? जी मैं धोबन। धोबन धोबन हो जाओ, जाकर कपड़े धो। यहाँ क्या कर रही है? जाओ ठहरो। ये तुम कपड़े क्यों धोती? कपड़े ना धोएं तो खाएं कहां से हजूर? अच्छा अच्छा, तो तुम कपड़े खाती हो। मैं बात को भूलता नहीं हूँ। आज से 2 साल पहले तुम मेरे 2 बनियान और 4 जांघिये खा गई थी। अब मेरा दिमाग क्या करेगा? वही है। ये आखिर मुझे हो क्या गया है? तुम्हारे लौट आने का ख्याल मेरे दिल से मिट क्यों नहीं जाता? रजिया देखो, कितने शर्म की बात है। वो धोबन ने मुझे आवाज दी तो मैं समझा कि तुम आ गई हो। तुम आओगी ना? आओगी ना? साहब जी, क्या बात है? खाना लगा दिया। खाना लगा दिया? अरे भाई, हमने खाना ही नहीं खाया।
अच्छा अगर अगर नहीं खाया है तो एक बार और खा लेते। चलिए हजूर। नहीं पहले पहले तुम चलो। खाना ही नहीं खाया। खाना ही नहीं खाया जी। अम्मी तो कल ही कराची चली गई। अच्छा खुदा हाफिज। भाई साहब आया बेगम साहिबा, मैं उन्हें अंदर ला रहा था, फिर सोचा आपसे इजाजत लेकर जाऊं। शक्ल तो उनकी इमरान साहब से मिलती है, मेरा ख्याल में इमरान नहीं इरफान साहब है। बात मुख्तसर किया करो, जाओ उन्हें अंदर भेज दो। बहुत अच्छा बेगम साहब। हेलो नज। आइए इरफान, सिर्फ रखिए। शुक्रिया। मुझे अफसोस है इस बेवकूफ नौकर की वजह से आपको बाहर इंतजार करना पड़ा। क्या फर्क पड़ता है, आपने तो हमें इंतजार करने का आदी बना दिया है। कल मामानी जान का टेलीफोन आया था कि वो आपके साथ गरीब खाने पर तशरीफ ला रही हैं और फिर वहां से फिल्म देखने चलेंगे। मैं आपका घंटों इंतजार करता रहा। जी हाँ, कल मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। आजकल तुम बहुत उदास रहने लगी हो नजमा। अरे भाई जिंदगी में गम किसे नहीं मिलता, इसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी हंसना बोल नहीं छोड़ दे। खान बहादुर साहब की मौत ने तुम्हें बिल्कुल बेहाल कर दिया है। आओ कहीं घूमने चलें। आप ये बताइए हॉस्पिटल के नक्शे का क्या बना? नक्शा वो तो बिल्कुल तैयार है, तुम इसे अप्रूव कर दो ताकि तामीर का काम शुरू हो सके। मैं हॉस्पिटल की तामीर के लिए बहुत बेचैन हूँ, ये काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। आप फिक्र न करें, इसी हफ्ते काम शुरू हो जाएगा। आपके दरबार में दामन फैलाए खड़ी, मुझे दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ बेटे का सुकून चाहिए। वो उदासियों के अंधेरों में खो गया है, उसे रोशनी दिखाइए, उसकी जिंदगी मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आ गए। बेटे क्या बात है, आज तो बड़े सुर में रो रहे हो। ये तो तुमने भैरवी से मालकोस में छलांग लगा दी, रोने की वजह तो बताओ। पेट में दर्द है, पैसे चाहिए, मुन्ने टाफी खाओगे? नहीं, काश मेरी माँ जिंदा होती तो उसे सब कुछ बता देता। हमने भी तो तुम्हें माँ बनकर पाला है, हमें बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है। आपसे कहते हुए शर्म आती है कि एक लड़की मुझसे प्यार करती है, अगर हम दोनों की शादी बहुत जल्द ना हुई तो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी और मेरी छुट्टी हो जाएगी। अभी सारी बातें आपसे कैसे बताएं? मगर वो बेवकूफ है कौन जो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई है? अब्बा जान वो एक लड़की है और उसका नाम रजिया है। तो रजिया तुमसे मोहब्बत करने लगी? रजिया रजिया अब्बा जान खुदा के लिए वापस आ जाइए। हाँ बेटा तुम शादी कर लो, हमारी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। थैंक यू पापा। हाँ बेटा याद आया, मैं कोई बात भूलता नहीं हूँ,
तकरीबन 2 साल से तुम्हारा कोई दोस्त ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहा है और तुम यहां बैठे हो। जाओ उससे मिल के आओ। नाराज हो यार? डैडी को भूल जाने की आदत है, उन्होंने मुझे देर से बताया कि तुम आए। आ कहां से रहे हो? मैं अपनी आंखों से नजमा के फरेब का तमाशा देख कर आ रहा हूँ शाहिद। वो बाजार में अपने होने वाले दौलतमंद शौहर के साथ शॉपिंग करती फिर रही थी। और यार तुमने किसी और को देखा होगा? शाहिद, अब तुम भी मेरे यकीन को नहीं छुटला सकते। नजमा फिर वफा है। मैं एक सेकंड में आ रहा हूं। हेलो जी, कहां? हॉस्पिटल में? शकील, तुम्हारी वालदा का एक्सीडेंट हो गया। माँ, क्या हुआ माँ? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ शकील साहब। हरचंद के मैं गाड़ी बड़ी एहतियात से चला रहा था, लेकिन आपकी वालदा मेरी गाड़ी के सामने आ गई। शायद तकदीर को यही मंजूर था। आप ठीक कहते हैं, इंसान की हर बात पर तकदीर का राज है, रिवायतों का पहरा है। आपकी वालदा के इलाज के सारे अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। सुनते हो शाहिद, इनसे कह दो हमें इनकी मेहरबानियों की जरूरत नहीं, तशरीफ ले जाए। माँ आंखें खोलो, मेरी बेबसी तो देखो। अच्छा वो तुम आ गए बेटे, अगर आज नादरा ना होती तो मेरे मरने से पहले तुम देखना भी नसीब ना होता। मैं इसकी शुक्रगुजार हूं, मेरे बाद तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह जाओगे। मेरी आखिरी ख्वाहिश कि तुम नादरा से शादी कर लो। कि हालात ने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जिंदगी से बेजार हो जाए। तुम कुछ भी कहो शाहिद, मैं नादरा से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए कि नजमा ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और तुम उसके कसूर की सजा नादरा और अपने आप को देते रहोगे। देखो शकील, तुम भी अकेले हो, नादरा भी तन्हा है, उसके बाप का इंतकाल हो चुका है, माँ छोड़कर विलायत जा चुकी है। मेरे ख्याल से तुम एक दूसरे का सहारा बन सकते हो। रहने दो शाहिद, ना मुझे नादरा के सहारे की जरूरत है और ना ही तुम्हारे बेकार मशवरे की। जा, चले जाओ यहां से, मुझे मेरे हाथ में छोड़ दो। ठीक है, चला जाता हूं। अफसोस इस बात का नहीं कि तुमने अपनी मां की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम भी ना किया। मेरी आखिरी ख्वाहिश कि तुम नादरा से शादी कर लो। वो हजरात जिनकी शादी हो गई है वो तो शराफत से यहाँ से चले जाएं। अच्छा भाई शकील, खुदा हाफ़िज़। तुमने वो हजरात जिनकी शादी नहीं हुई है उनसे ये दरख्वास्त है कि वो यहाँ यहाँ से फौरन निकल जाएं। खुदा भाई, सिर्फ मंगनी की अंगूठी पहने में क्या सजा मुकदर की जाए? माफी कर दो। चलो तुम आहिस्ता आहिस्ता चले जाओ। ओके। हाय बाबा, आपके सिलसिले में यहाँ खड़े मियाँ, मैं तो दुआ गो हूँ, जा रहा हूँ। अच्छा बरखुरदार भाई, माशाल्लाह शेरवानी सज रही है यार, पता नहीं हमें कब ऐसी शेरवानी नसीब होगी। कल सुबह आकर ले जाना इसी को। ओके यार, ये कार्ड है मेरा, फोन नंबर है इस पे, हैं? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अभी फोन कर लेना। ओके बाय।
नजर से न देखूं शकील, तुम्हारी दुल्हन हूँ। ना स्टेज पे बैठी, ना घूंघट निकाला, क्योंकि ये दस्तूर बड़ा पुराना है। और फिर घूंघट निकाल कर स्टेज पर बैठती तो रवायत के मुताबिक सर भी झुकाना पड़ता। और आज तो मेरे अरमानों की जीत हुई है शकील। फिर तुम ही कहो, सर किस तरह झुका लेती? दूर क्यों खड़े हो? याद है शकील, एक दिन मैंने कहा था मुझे जो चीज पसंद आ जाए उसे मैं अपने ड्राइंग रूम की सीनत बना लेती हूँ। नादरा, जानते हो शकील, आज मैंने जी भर के सिंगार किया है। बालों में अफशा सजाई, खुशबू में बसा हुआ सुर्ख जोड़ा पहना, मगर तुम्हारी बेरुखी की कसम, सिर्फ ये सोचकर आईना नहीं देखा कि तुम्हारी आंखों में झांक कर देखूंगी दुल्हन के लिबास में कैसी लगती हूँ। जो जी चाहे सजा दे लो शकील, हमने तुम्हें तुमसे चुरा कर हमेशा के लिए अपना बना लिया है। रहता है डार्ली, आज शाम घर जल्दी आ जाना, क्लब चलेंगे। नादरा, मैं कई बार कह चुका हूँ मुझे फिजूल बातें पसंद नहीं। तुम्हें क्या पसंद है और क्या ना पसंद,
ये फैसला करने का इख्तियार अब तुम्हें नहीं रहा शकील। तुम अपनी जिंदगी की लगाम हमारे हाथों में दे चुके हो, जिधर हम चाहेंगे उधर मुड़ना पड़ेगा। ओके। हेलो 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 हेलो, खाना खा लीजिए बाबूजी, बहुत रात हो गई है। भूख नहीं है फजलू बाबा। आप नादरा बिटिया के इंतजार में हर रात कुछ खाए बिना सो जाते हैं, अक्सर सुबह को नाश्ता किए बगैर ही काम पर चले जाते हैं, और नादरा बिटिया बेखबर सोई रहती है। क्या करूं फजलू बाबा, शायद इस घर का यही दस्तूर है। दस्तूर तो वाकई यही है बाबूजी, बरसों से पत्थर बनकर देख रहा हूं, मगर आप इस दस्तूर को तोड़ क्यों नहीं देते? नादरा बिटिया को समझाइए, औरत घर का चिराग होती है, महफिलों का उजाला नहीं। किस उलझन में पड़ गए हो बाबा, जाओ सो जाओ, ये तो जिंदगी भर का गम है, जब तक हौसला है निभाऊंगा। कुछ मुझसे फरमाया आपने? तुम्हारी बेहयाई हद से बढ़ती जा रही है, मैं इस घर में ये तमाशा नहीं देख सकता। तो फिर आंखें बंद कर लो डार्लिंग। तुम शायद ये भूल बैठी हो नादरा कि तुम किसी की बीवी भी हो, तुम्हें ये गैर शरीफाना अंदाज बदलने होंगे। ये अंदाज मुझे माँ बाप से विरसे में मिले हैं शकील, तुम्हारे कहने से ने छोड़कर खुद को विरासत से महरूम कर लूं। ये किस तरह मुमकिन है? मैं तो कहती हूँ तुम भी अंदाज अपना लो, चांदी के खनकते सिक्कों से चेहरा सजाकर बाहर तो निकल कर देखो डार्लिंग कि लोग तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं। मैं ऐसी इज्जत पर लानत भेजता हूँ जो इंसान के किरदार को दागदार बना दे। इंसान की इज्जत उसके किरदार से होती है नादरा, दौलत से खरीदी हुई इज्जत से वो गरीबी लाख दर्जे बेहतर है जो इंसान की गैरत और जमीर को बिकने नहीं देती। हर गरीब आदमी अपनी गुर्बत को सहारा देने के लिए अमीरों को ऐसे ही गालियां देता है, मगर तुम तो अब गरीब नहीं रहे हो शकील, हमारी नजर अनायत ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। मैंने दौलतमंद बनने के लालच में तुमसे शादी नहीं की थी नादरा, मैं अपनी माँ की वसीयत से मजबूर था। और मैं अपने इंतकाम से, तुम शायद भूल गए शकील, मगर मैं जब भी आईना देखती हूँ गाल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान ऊपर आते हैं। याद है तुमने थप्पड़ मारकर मेरी गैरत को आवाज दी थी, औरत के सोए हुए इंतकाम को ललकारा था। उस दिन मैंने अहद किया था कि तुम्हें अपने कदमों में झुका कर रहूंगी। आहिस्ता बोलो शकील, मैं भी ऊंची आवाज में बोल सकती हूँ। मत भूलो कि तुम मेरी दौलत के हाथों बिके हुए एक मामूली इंसान हो जिस पर मैंने इंतकामन शौहर का नाम ले दिया है। आपने लेटर देख ली सर? अभी नहीं, डाक तो फिर कल ही जा सके। आप इन्हें साइन करके रख दीजिए। बेहतर, आज आपकी तबीयत कुछ? हाँ ठीक नहीं, आ जाइए। शाहिद जरा घर आप, मुझे कुछ बातें करनी है। हेलो शकील। आओ शाहिद। तुम्हें तो बुखार है, भाई मुझसे फोन पे कह देते मैं किसी डॉक्टर को ले आता। मुझे डॉक्टर की नहीं हमदर्द की जरूरत है शाहिद, तुम्हें तकलीफ इसलिए दी है कि इस जहन्नुम की बुनियाद में तुम्हारा भी मशवरा शामिल था। तो तुम बात क्या कर रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया।
नादरा की दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है शाहिद। हर रोज क्लब जाना और रात का ही घर लौटना नादरा का मामूल और मेरे लिए परेशानी बन गया है। ताज्जुब है, मुझे नादरा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। यार वो तो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसकी चाहत भी फरेब थी शाहिद। शादी का ये ढोंग उसने सिर्फ इसलिए रचाया था कि मुझसे मेरे थप्पड़ का इंतकाम ले सके। कैसा इंतकाम? क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ शाहिद, मैं इस फरेबों की दुनिया से कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ। यहाँ अब मेरा दम घुटता है। अच्छा तुम फिक्र न करो, मैं आज ही नादरा से बात करूंगा। नादरा से बात करना बेमकसद है, वो पत्थर दिल की बात क्या समझेगी। आपको टीबी हो गई है बहन, लेकिन घबराइए नहीं, अब ये मर्ज लाइलाज नहीं रहा। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। आप इन्हें फौरन किसी सेनेटोरियम भिजवाने का इंतजाम करें ताकि मर्ज बढ़ने ना पाए। मगर डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आप परेशान ना होइए, इनके इलाज के सारे खर्चात मैं पे करूंगी। खुदा आपका भला करे। मैं आपको लेटर लिखे देती हूँ। दिल की हलचल मचाए कोई कोई, धड़कनों में समाए कोई कोई, हुस्न देखो गुलाबी जिस्मों का रंग देते चाह कलियों की, कोई ऐसा नहीं जो बस जाए जगाए कोई कोई, धड़कनों में समाए कोई कोई, यूं तो लाखों हंसी है दुनिया में, होय 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 दिल में हलचल मचाए कोई कोई, धड़कनों में समाए कोई कोई। तो कहती है दिल में हलचल मचाए कोई कोई, नजरों में समाए कोई कोई, यही सब कुछ तो मुझे कहना था नादरा। तुम्हारे सिवा किसी पर नजर नहीं रुकी थी, किसी पर दिल नहीं आया था। यूं लगता है जैसे मेरे अरमानों को मंजिल मिल गई है। बस आओ चले। नादरा बिटिया, क्या है? बुरा न मानो तो एक बात कहूं, शकील बाबू कई दिन से बीमार हैं और आप बेगानों की तरह उनसे बेखबर हैं। इतनी गफलत भी ठीक नहीं, उनके दुश्मनों को अगर कुछ हो गया। फजल बाबा, अपनी औकात पहचानो,
हम अपने घरेलू मामले में नौकरों का मशवरा पसंद नहीं करते। मैं नौकर जरूर हूँ सरकार, मगर मैंने आपको बच्चों की तरह गोद में खिलाया है। अपनी खिदमतों का एहसान न जताओ, तुम्हें इसका मुआवजा मिलता रहा है। शकील बीमार है, कोई अपाहिज तो नहीं कि डॉक्टर के पास भी न जा सके। नादरा बिटिया, वो आपके मजाजी खुदा है, आपको उनके बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। कैसी तबीयत है? जिंदा। वो तो मैं भी देख रही हूँ। तुम इस खांसी का इलाज क्यों नहीं करवाते? तुमने तो घर को ही हॉस्पिटल बना रखा है। तुम्हारी खांसी के जरासीम हम तक भी पहुंच सकते हैं। ये जरासीम मुझे तुम्ही ने दिए हैं नादरा। काश मेरी माँ तुम्हारी हमदर्दियों के जाल में ना आई होती। माँ की अकल पर तो पत्थर पड़ चुके थे, मगर तुम तो समझदार थे, शादी से इनकार कर दिया होता। माँ की आखिरी ख्वाहिश ठुकराने की हिम्मत होती तो जरूर इनकार कर देता। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मेरी दौलत से प्यार था और इस दौलत को अपनाने के लिए तुमने माँ की वसीयत को सहारा बनाया। नादरा, ये शादी तुम्हारे लिए सजा बन गई है तो तुम्हें जंजीरों को तोड़कर जा सकते हो। अच्छा हुआ ये बात भी तुम्ही ने छेड़ दी नादरा। मैं भी यही फैसला किए बैठा था कि तुम्हारे इस जहन्नुम को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, मगर जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। तुम जैसी औरतों से तो वो तवायफे कहीं बेहतर है जिनके चेहरों पर जिल्लत की छाप देखकर इंसान कम से कम धोखा तो नहीं खा सकता। शाहिद, मैं डॉक्टर नजमा बोल रही हूँ। जी फरमाइए। तुम जरा जल्दी से मेरी क्लिनिक आ जाओ। खैरियत तो है? तुम्हारे दोस्त शकील की हालत बहुत खराब है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, मैं हाजिर होता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है शकील? मैं हाजिर हो सकता हूँ? आओ शाहिद। बैठो। वो शकील कहाँ है? तुम्हें ये सुनकर दुख होगा कि शकील को टीबी हो गई है। टीबी हो गई है? हाँ, रात उसे बेहोशी के आलम में एक आदमी मेरी क्लिनिक पर छोड़ गया था। वो बीमार तो रहता था, मगर ये टीबी तक नौबत कैसे पहुंची? मैं खुद हैरान हूँ कि उसने अपनी जिंदगी को इतना बड़ा रोग कैसे लगा लिया। बात यह है नजमा कि उसने अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए नादरा को अपनाया था, मगर वो एक बहुत बड़ा फरेब निकली। दरअसल उसने शकील के थप्पड़ का इंतकाम लेने के लिए उससे शादी की थी, और इस गम ने मेरे दोस्त को अब इस हाल पे पहुंचा दिया है। बस करो शहीद, अब मुझमें शकील का गम सुनने की ताब नहीं। हम दोनों शिकार हुए, मैं अपनी खानदानी रस्म रिवाज की और शकील अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश का। काश ये सब यूं ना हुआ होता।
गुजरी हुई बातें छोड़ो नजमा और ये सोचो कि करना क्या चाहिए। अब शकील का इलाज यहाँ मुमकिन नहीं, उसे किसी सेनेटोरियम भिजवाना होगा। अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ नजमा? कहो। तुमसे बेहतर शकील के लिए कोई मसीहा नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। वो तो मेरी सूरत तक से बेजार है। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, आखिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ? सारी गलत फहमियाँ यूँ दूर कर दूंगा। ये काम इतना आसान नहीं। अब तो एक ही सूरत मुमकिन है कि मैं इस सूरत की बजाय किसी और सूरत में शकील से मिलूं। बात मुनासिब है। वैसे वो है कहाँ? बराबर वाले कमरे में। लेकिन सुनो, उसे हमारी बातों का बिल्कुल इल्म नहीं होना चाहिए। ओहो, तुम फिक्र ही ना करो, ये सारी बातें एक मर्द के पेट में उतर रही। तुम्हारी सूरत काफी हद तक बदल गई है नजमा। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ। ये जरा ये लगा के देखो। अब क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है शकील अब तुम्हें नहीं पहचान सकेगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो मेरी मजबूरियों की तरह मुझे भी ना पहचान सके। अच्छा अब जल्दी चलो, हमें आज ही सैनिटोरियम पे पहुंचना है। आप नर्स बनकर शकील साहब की खिदमत करना चाहती हैं तो मुझे क्या इतराज हो सकता है, लेकिन सोच लीजिए ये काम इतना आसान नहीं है। डॉक्टर साहब, ये हर मुश्किल से टकराने का फैसला कर चुकी हैं। एक चीज का ख्याल रखिएगा, इनके नजमा होने का राज शकील को पता ना चले। आप कोई फिक्र ना कीजिएगा, मैं जरा शकील से मिल लूं। जरूर। अस्पताल तो उन्हें लाया जाता है शायद जिन्हें जीने की तमन्ना हो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इसलिए कि जिंदगी को भी तुम्हारी जरूरत है। क्या बात है शायद साहब? डॉक्टर साहब, जरा जिंदगी के फलसफे का इन्हें एक हल्का सा डोज तो दीजिए। क्या बात है शकील साहब, आप अपने जिंदगी से इस कदर मायूस क्यों हैं? लोग तो जिंदा रहने के लिए दुआएं मांगते हैं। आपका मर्ज ऐसा लाइलाज भी नहीं है। मैंने आपकी एक्सरे रिपोर्ट देखी है, आप इंशाल्लाह जल्द से अच्छे हो जाएंगे। अरे भाई, अपने लिए नहीं तो हमारे लिए कुछ दिन जी लो। यहाँ और हमने आपके लिए एक काबिल और तजर्बा कार नर्स का इंतजाम भी कर दिया है। वैसे मैं हर इतवार को आता रहूंगा। वादा कीजिए, क्या आप अपनी जिंदगी से मायूसी की बातें नहीं करेंगे? आप मेरी बीमारी का इलाज तो कर देंगे डॉक्टर साहब, लेकिन तकदीर के लगाए हुए जख्मों का इलाज कौन करेगा? दवा पी लीजिए। कहीं तो चैन से रहने दो नजमा। नजमा, आपको धोखा हुआ है, मेरा नाम नजमा नहीं। फिर तुम कौन हो? आपकी नर्स, आपकी खिदमतगार। मगर तुम्हारी सूरत नजमा से किस कदर मिलती है। मैं तो समझा वो बेवफा यहां भी मुझे तड़पाने आ पहुंची। सूरतें अक्सर धोखा दे जाती हैं शकील साहब। मैं तो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा हूँ और एक अरसे से मरीजों की खिदमत कर रही हूँ। दवा पी लीजिए। नजमा नाम की किसी लड़की ने शायद आपको दुख दिया है, कौन है वो? उसका जिक्र न करो नर्स, उसके लगाए हुए जख्म तो हमेशा से सकते रहेंगे। उसने मुझे देवता समझकर चाहा और एक बेकार पत्थर समझकर सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि सोने और चांदी की चमक ने उसके जमीर को अंधा कर दिया था। आप उसे बहुत चाहते थे? हाँ, मगर अब मुझे उससे नफरत है, मैं उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता। अच्छा शकील साहब, अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं शकील, मैं बेवफा नहीं हूं। तुम्हारे प्यार की कसम, मैं मजबूर थी।
जाओ, जाकर आराम करो। कई दिन और कई रातों से जाकर मेरी खिदमत कर रही हो। मेरी बीमारी का ही नहीं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। हेलो, क्या बात है? आज तो चेहरे पे बड़ी रौनक नजर आ रही है। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। मेरी बात का अगर यकीन नहीं है तो आईने में शक्ल देख लो, वाकई खूबसूरत लग रहा है। महरूमियों का बोझ उठाए जी रहा हूँ शाहिद, और जीने का ये एहसास मुझे उस नर्स ने दिलाया है जो अपनी सेहत की परवाह किए बगैर मेरी खिदमत कर रही है। किधर शाहिद, तुमने कभी उस नर्स को गौर से देखा है? उसकी सूरत नजमा से किस कदर मिलती है। मुझे तो कई बार उसे देखकर नजमा का धोखा हुआ। देखो भाई, तुमने किया है इश्क, इसलिए तुम्हें हर लड़की नजमा नजर आती है। ऐसा ना हो किसी दिन डॉक्टर का हाथ पकड़ के कह दो नजमा। मोहब्बत में इतना पागलपन अच्छा नहीं होता। ये लोग एक काम करेंगे, किसी दिन ये तुम्हारा सेनिटोरियम से बेड शिफ्ट करा के तो उधर भेज देंगे, बस वहां नजमा नजमा किया करना। तुम्हें गुलाब के फूल बहुत पसंद है नर्स? जी हाँ, मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्यों ही, उस बेवफा को भी इन्हीं फूलों से बहुत प्यार था। एक बार उसने अपने हाथों से मेरे कॉलर में गुलाब का फूल लगाया था। मुझे क्या खबर थी, वो मुझे फूलों का रास्ता दिखाकर कांटों में उलझा देगी। हेलो, तुम यहाँ क्यों आई हो नादरा? इसलिए कि गरीब को नजरअंदाज करके हमारी इमारत उजले दामन पर धब्बा ना लगे, हमने सोचा इस बीमारी और बेकसी के आलम में तुम्हें इलाज के लिए कुछ रुपयों की जरूरत होगी। हमारे ख्याल में ये रकम फिलहाल तुम्हारे लिए काफी होगी। इस रकम को अपने मजार के लिए वक्फ कर लो नादरा, ताकि तुम्हारे मरने के बाद उस पर एक शानदार कदबा लगाकर रोशन लफ्जों में लिखा जाए, ये मजार उस औरत का है जिसने अपने गलत किरदार से इंसानियत को धोखा दिया है। इन पिछुओं को लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ नादरा। जीने की इस कीमत को इतनी बेदर्दी से ना ठुकराओ डार्लिंग। ये बिच्छू इंसान को डंक नहीं मारते, जिंदा रहने का हौसला बख्शते हैं। तुम्हें अब मेरी जिंदगी से क्या मतलब? समझ लो मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। डार्लिंग, तुम हमारी मर्जी के बगैर कैसे मर सकते हो? हम उस वक्त तक अपने शिकार के तड़पने का तमाशा देखते रहेंगे जब तक हमारे चेहरे से तुम्हारे तमाचे के निशान नहीं मिट जाते। नजमा, देखो खुदा की कसम झगड़ा हो जाएगा। तुमने तो वादा किया था कि तुम कभी रोगी नहीं, ये फिर रोना शुरू कर दिया तुमने। इन आंखों को रोने की आदत हो गई है शाही, इस बरसात को रोकना मेरे अख्तियार में नहीं। अच्छा बात तो बताओगी ना, बात क्या हुई? अभी नादरा यहाँ आई थी। नादरा यहाँ आई थी? हाँ शाही, वो शकील के गम को फिर से ताजा कर गई, वो उनकी जान की दुश्मन बन गई है। उसकी तल्ख बातों ने एक बार फिर शकील के जहन में जहर घोल दिया है। तुम जाकर शकील से मिलो, उसे समझाओ कि अपने दिमाग पर बोझ न डाले, उसकी सेहत बड़ी मुश्किल से संभली है। मैं उससे अभी जाकर कह दूंगा कि तुम नर्स नहीं, नजमा हो, तुम बेवफा नहीं, उसने तुम्हें गलत समझा। नहीं शाहिद, इस राज के खुद जाने से उसकी बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा है। अभी शकील के दिल से मेरे लिए नफरत का अंधेरा दूर नहीं हुआ। नफरत का अंधेरा दूर करने से दूर होगा। शकील तुम्हें मिले ना मिले, लेकिन वो आज से तुमसे नफरत नहीं करेगा। मुझे नहीं, मेरी बेबसी का तमाशा देखने आई थी। तमाशा तो मैं भी देख के आया हूँ, नजमा की बेबसी का तमाशा। शायद उस बेवफा का नाम मेरे सामने न लिया करो, मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। तुम उसे भूल जाना चाहते हो, और उस गरीब ने आज भी तुम्हारी यादों को सीने से लगाया हुआ है। मालूम होता है उस अमीर ज्यादा की दौलत भी खत्म हो चुकी, जो नजमा को मेरी याद आई है।
तुम शायद इरफान की बात कर रहे हो, लेकिन वो तो नजमा के हॉस्पिटल का एक इंजीनियर था। तुम इरफान को नजमा के साथ देखकर बदगुमान हो गए, उसकी वफाओं पर भी इल्जाम लगाया, लेकिन तुम जानते हो उसने आज तक इसलिए शादी नहीं की कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। शाहिद, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। हालात ने उसके साथ जुल्म और तुमने उसके साथ नाइंसाफी की। मैं समझता हूँ नजमा बहुत अजीम है। उसने अपने खानदान के वकार के खातिर बरसों के प्यार को ठुकरा दिया, अपने दिल पे जबर करके बाप के फैसले पर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। मुझे बताओ, क्या तुमने अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश के फैसले पर नादरा से शादी नहीं की? नजमा बेकसूर है, वो बेवफा नहीं। तुम इरफान को नजमा के साथ देखकर बदगुमान हो गए, उसकी वफाओं पर भी इल्जाम लगाया, लेकिन तुम जानते हो उसने आज तक इसलिए शादी नहीं की कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। शकील साहब, आप अब तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। एक बात बताओ नर्स, क्या बीते हुए लम्हों को आवाज दी जा सकती है? क्या बिछड़े हुए साथियों तक दिल की पुकार पहुंच सकती है? एक बार आवाज देकर तो देखिए, शायद आपके साथी इतने दूर ना हो जितना आप समझते हैं। हालात ने फासले इतने बढ़ा दिए हैं नर्स, कि इन्हें कम करना अब मेरे बस की बात नहीं। अब आप आराम कीजिए, रात बहुत हो गई है। ठहरो नर्स, आज तुम्हारी आवाज कुछ बदली हुई मालूम होती है। मेरी आवाज तो वही है शकील साहब, शायद आज आपका दिल बदल गया है। तुमने ठीक कहा, वाकई आज मेरा दिल बदल गया है। के उल्फत का सिला पा भी लिया है मैंने, अब तो आ जा। पास की तेरी जुदाई न कभी रास मुझे, आस की तेरी जुदाई न कभी रास मुझे। तुझसे बिछड़ा तो ये होने लगा एहसास मुझे, अपने हाथों से कोई जहर पिया है मैंने, अब तो आ जा। गुनगुनाती है वफा रूह में रिमझिम की तरह, गुनगुनाती है वफा तरह। सामने अपने खड़ा हूँ किसी मुजरिम की तरह, आज तो शर्म से हूँ ढांप लिया है मैंने, अब तो आ जा। शिकवा है बुलाना ही पड़ेगा तुझको, जो भी शिकवा है बुलाना ही पड़ेगा तुझको, एक न एक रोज तो आना ही पड़ेगा तुझको। दिल का दरवाजा खुला छोड़ दिया है
मैंने अब तो आ जा के तुझे याद किया है, मैंने अब तो आ जा। आदाब। रजिया तुम आ गई? जी हाँ। क्या वाकई? कौन हो तुम? जी मैं रजिया हूँ। कौन सी वाली रजिया हो? जी मैं शाहिद की दुल्हन और आपकी बहू। यानी तुमने उस मस्खरे से शादी कर ली और उसने हमें अपनी शादी में शरीक होने का दावतनामा भी नहीं भेजा। मैं कोई बात भूलता नहीं, उसने मुझसे एक बहुत पुराना इंतकाम लिया है। जब मैंने शादी की थी तो मैंने भी उसे नहीं बुलाया था। है कहाँ वो? जाओ उसे बुला के लाओ, हम उसे शादी की मुबारकबाद देंगे और तुम्हें भी थोड़ी बहुत रेजगारी दे देंगे। जी बहुत अच्छा। जाओ जाओ शादी कर ले। रजिया रजिया उठो ना। अम्मा मैंने कहा सुनती हो? शाहिद मियां ने शादी कर ली है, बड़ी प्यारी दुल्हन है गुड़िया जैसी। उसे देख के तुम्हारा वक्त याद आ गया। रसिया तुम कब आओगी? रसिया ऐसा ना हो किसी दिन तुम्हारे इंतजार में बैठा ही बैठा बूढ़ा हो जाऊं। रसिया तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मैंने आज एक फैसला किया है नर्स। मैं अब कभी वायलिन नहीं बजाऊंगा। मैं तो इसकी आवाज में अपने दुख भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने तो तुम्हें कोई भूला हुआ गम याद दिला दिया। ये आपने कैसे कह दिया? और मैं भला किसे याद करूंगी? छुपाओ नहीं नर्स, आंसू कभी बेसबब नहीं झलकते। पुराना माने तो एक बात कहूं, क्यों लगता है जैसे तुमने भी कभी किसी से प्यार किया था? कौन था वो? बस एक साया था जिसे एक चढ़ते सूरज की धूप खा गई। फिर? इससे आगे ना पूछिए शकील साहब, इससे आगे ना आप सुन सकेंगे ना मैं सुना सकूंगी। इन आंसुओं को पलकों के पीछे ही रहने दीजिए। न जाने कब के रुके हुए, बह निकले तो कयामत आ जाएगी। तुम ठीक कहती हो नर्स, हर इंसान के अपने अपने हालात होते हैं। मुमकिन है तुम मुझसे मेरा गम पूछो तो मैं भी ना बता सकूं। और फिर तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है, सिर्फ तुम्हारा एक मरीज ही तो हूं। तुम मुझे अपना गम नहीं बताना चाहती, तुम्हारी खुशी। मेरी खुशी? मेरी खुशी भी तो आपकी खुशी है। पूछो और मैं न बताऊं, ऐसे तो हालात में एक जरा सा दिल टूटा है, एक जरा सा दिल टूटा है। और तो कोई बात नहीं, तुम पूछो और मैं न बताऊं। पूरे ख्यालों की वादी में भटक रहा है प्यार मेरा,
एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं, तुम पूछो और मैं न बताऊं। टूट गई जब आस तो फिर क्यों सांस करिश्ता देती है, टूट गई जब आस तो फिर क्यों सांस करिश्ता बाकी है, गूंज रही है क्यों शहनाई, गूंज रही है क्यों शहनाई, जब कोई बारात नहीं तुम पूछो और मैं न बताऊं। नजमा, सॉरी नर्स, काश तुम नर्स न होती नजमा होती। नाजरा कहाँ रहती हो, मैं तुम्हारी जुदाई में कई मर्तबा खुदकुशी करने का इरादा कर चुका हूँ। ये बात तुम मुझसे पहले कितनी लड़कियों से कह चुके हो। यकीन करो नाजरा, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मोहब्बत? हेलो नाजरा, कब से इन पैमानों के चराग जलाकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इन चरागों की रोशनी बूढ़ी हो चुकी है फिरोज साहब। नाजरा जी, आपने भी कुछ कहना है फरमाइए। अपनी जवानी के नाम पर मुस्कुराहट की एक भीख दे दो, वरना ये दिल टूट जाएगा। अपने दिल को संभाल कर रखो मिस्टर, बड़ी अनमोल चीज है। हेलो वहीद। जुल्फों में रात रुख पे उजाला लिए हुए, वो आ गए हैं हुस्न की दुनिया लिए। शायद कब से बन गए हो? देखती जाओ, न जाने तुम्हारे इश्क में और क्या कुछ बनना पड़ेगा। इश्क एक बेमानी लफ्ज का नाम है वही, हम तो दिल के इंतखाब के कायल हैं, जब और जिसे पसंद कर ले। इसका मतलब है तुम मुझे पसंद करती हो? ख्याल बुरा नहीं। ये पैमाना भी मेरी तरह हमेशा तुम्हारा इंतजार किया करता है। और चले वही, इन रोशनों से मुझे वहशत होने लगी है। हम दिल के गुलाम हैं और दिल तुम्हारा।
चलाओ वेद, सांसों की रफ्तार से तेज। क्या हुआ नर्स, दवा की शीशी टूट गई? जी हाँ, मालूम होता है आप सेहतयाब हो गए हैं। मैं आ सकता हूँ? आओ शाहिद, अब के इतवार से पहले कैसे आ गए? एक खबर लेकर आया हूँ, सुनाने की हिम्मत नहीं, तुम खुद पढ़ लो। कोई खास खबर है क्या? नादरा का एक्सीडेंट हो गया, वो मैं अपने बॉयफ्रेंड के अल्लाह को प्यारी हो गई। दुनिया से एक बुराई हमेशा के लिए खत्म हो गई, बेगैरती के एक तमाशे को अंजाम मिल गया। तुम्हारी खिदमतों का कोई सिला मुमकिन नहीं है नर्स, तुम्हारे खुलूस ने मुझे नई जिंदगी दी है, नहीं तो मैं कब का अंधेरों में डूब गया होता। मैंने क्या किया है शकील साहब, अपना फर्ज ही तो निभाया है। तुम इसे फर्ज कह लो, मैं तो इसे तुम्हारा एहसान समझ कर जिंदगी भर याद रखूंगा। हक तो नहीं पहुंचता, फिर भी पूछ सकती हूँ अब आप कहाँ जा रही हैं? अपनी मंजिल की तरफ। मैं आज बहुत खुश हूँ नर्स, मैं आज नजमा के पास जा रहा हूँ अपनी खोई हुई मोहब्बत को पाने के लिए। शकील साहब, ये वही नजमा है ना जिसने आपसे बेवफाई की थी, आपके खुलूस को धोखा दिया था। नहीं नर्स, उसे बेवफा न कहो, मैं ही उसे गलत समझा था, मगर आज हालात ने बदगुमानियों के सारे पर्दे उठा दिए, नफरत की सारी दीवारें गिरा दी। मगर तुम किस सोच में पड़ गई? सोच रही हूँ जो तसव्वुर लेकर आप नजमा के पास जा रही हैं, अगर उसे मंजिल न मिल सकी तो क्या होगा? क्या मतलब? शकील साहब, ये भी तो मुमकिन है कि नजमा अब आपकी मोहब्बत को ठुकरा दे। आखिर आपने भी तो उसके साथ बड़ी ज्यादती की है, क्या वो आपके हर जुल्म को भुलाकर आपकी मोहब्बत को कबूल कर लेगी? दिल तो मेरा भी डरता है नर्स, मगर उम्मीद की जरा सी रोशनी बाकी है जिसे सहारा बनाकर अपने साथ ले जा रहा हूं। जानता हूं वो मुझे देखकर खफा तो होगी, मगर मैं अपना सर उसके कदमों में रख दूंगा। मैं नजमा को जिंदगी समझकर जा रहा हूं नर्स, अगर उसने कबूल कर लिया तो जिंदा रह लूंगा, और अगर ठुकरा दिया तो। आप औरत को नहीं जानते, अगर नजमा इंतकाम लेने पर उतर आई तो वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। तुम भी तो एक औरत हो, तुम ही बताओ, अगर तुम नजमा की जगह होती तो मेरी पेशीमानियां देखकर तुम्हारे दिल में रहम ना पैदा होता, तुम मुझे माफ ना करती? अगर मैं नजमा होती तो आपको हरगिज माफ ना करती। किया है जो प्यार को पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, को भूल कर लो, हाय हाय को भूल कर लो। किया है जो प्यार को पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, को भूल कर लो।
मुझे क्या खबर थी कि मैं अपनी ही मंजिल के आसपास भटक रहा हूँ। तुम मसीहा बनकर मुझे जिंदगी की आस दिलाती रही और आज आखिर जिंदगी को भी पा लिया और अपनी मोहब्बत को भी। तुम्हें तो कहा था शकील, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, फिर ये धड़कन तुम्हारे दिल से दूर कैसे रहती।